बहुत से लोगों ने पूछा था कि सिखा रखने का क्या फायदा है। सिखा यानी कि आप जब चोटी रखते हैं पीछे, उसके पीछे हमारे हिंदू शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, क्या इसकी मान्यताएं हैं और क्यों ये रखनी चाहिए। वीडियो के एंड तक आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, सर के पीछे केंद्र स्थान होता है। प्राचीन काल के लोग भले ही पूरे सर के बाल कटवा लेते थे, लेकिन इस स्थान के बाल नहीं कटवाते थे। इस स्थान के बालों को आप सिखा कहते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे उपन्यासों में, बहुत सारे ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि जिस इंसान को मृत्युदंड दिया जाता था और बाद में किसी कारणवश अगर उसकी मौत नहीं करनी होती थी तो वो उनकी सिखा काट देते थे। वो सर कटने के समान होती थी और वो इंसान दास बन जाता था, यानी कि सिखा कटा हुआ इंसान दास है। देखिए, तो थी पुरानी मान्यता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया है, तो सबसे पहले शास्त्रों में लिखा गया है कि जो सिखा है वो इंसान को ज्यादा बौद्धिक बनाती है और स्मरण शक्ति बढ़ाने में काफी मददगार होती है। देखिए, हमने चाणक्य को बहुत बार देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, अपने वैसे फोटोज देखी होंगी, उन्हें हमेशा सिखा के साथ दिखाया गया है और ये उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाती थी। और चाणक्य जी के बारे में तो एक कथा काफी मशहूर है, जहां राजा के द्वारा बेइज्जत करे जाने पर उन्होंने शपथ ली थी कि वो जब तक राजा धनन का अंत नहीं कर देंगे वो अपनी सिखा नहीं बांधेंगे। देखिए, मस्तिष्क के भीतर जहां पर बालों का आवर्त होता है उस स्थान पर नाड़ियों का मेल होता है, इसे अधिपति मर्म कहा जाता है, यानी यह बहुत ही नाजुक स्थान है। यहां पर चोट लगने से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु भी हो सकती है। सिखा इस स्थान के लिए कवच का काम करता है, ये सर्दी गर्मी से मर्म स्थान की सुरक्षा करता है और चोट लगाने से भी बचाता है। मस्तिष्क में जहां सिखा स्थान है वहीं शरीर की सभी नाड़ियों का मेल है और सिखा का प्रभाव सारे अंगों पर होता है। हमारे काफी सारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जो इंसान सिखा रखते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो अपने आप को संयम में रखते हैं, ज्यादा गुस्सा ऐसे लोगों को नहीं आता। इससे व्यक्ति अपनी हर प्रकार की भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, चाहे वो शारीरिक भावनाएं हो चाहे वो मानसिक भावनाएं हो। आपने देखा होगा लोगों को, जो पुराने समय में विद्वान थे वो अपने आप को संयम में रखते थे, शारीरिक तरीके से भी मानसिक तरीके से भी। तो ऐसे में सिखा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनको संयम में रखने के लिए। देखिए, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, लेकिन हम वेस्टर्नाइजेशन के चलते हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। अगर भी कोई इंसान तिलक लगाकर घूम रहा है, कोई इंसान चोटी रखता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि अभी तक इन चीज़ों पर विश्वास करते हो, ऐसा किस लिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई तिलक लगाने से क्या होगा, चोटी रखने से क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, कभी किसी ने किसी सिख से पूछा है कि भाई तुम पगड़ी क्यों पहनते हो, पगड़ी पहनने से क्या होगा। देखिए, मैं किसी के धर्म को यहाँ पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। जैसे पगड़ी पहनना उनके धर्म में सर्वोपरि माना जाता है, ठीक वैसे ही हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के अंदर हैं जहां पर तिलक लगाना बड़ा अच्छा माना जाता है, काफ़ी धार्मिक माना जाता है, चोटी रखना, सिखा रखना काफ़ी धार्मिक माना जाता है। तो ऐसे सवाल क्यों। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या हम अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में खो रहे हैं या नहीं। बाकी ऐसी वीडियोस हर रोज आती हैं आपके लिए, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हर रोजाना की रोजाना। तो ऐसे में आप बेल आइकन दबाकर हर अपडेट का फायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं। मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा, जय श्री राम।